धौलपुर में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद है और इसी कड़ी में गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया है। जी हां, दरअसल शहर के मुख्य बाजार में जगन चौराहे पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया और इस दौरान आधा दर्जन लोग इसमें घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक जूस की दुकान लगाने वाले बनवारी का कांग्रेस पार्षद नंदकिशोर कुशवाहा और उसके भाइयों से झगड़ा हो गया और इस झगड़े में दोनों ही पक्षों की ओर से जमकर लाठियां बरसाई गई और जिसमें आपको बता दें कि दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो चुके हैं। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि दो पक्षों के बीच यहां पर खूनी संघर्ष हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो चुके हैं और सभी घायलों को ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवा दिया गया है और सभी घायलों का इलाज अब भी जारी है। करीब 10:30 बजे के समथिंग एक बच्चों के पैसे के लेन देन को लेकर आपस में झगड़ा हो गया, जिनमें से दोनों पार्टियों को सुबह समाज दिए हैं। एक पार्टी के तीन घायल हैं, एक के तीन हैं जिनको हॉस्पिटल ले गए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।